फर्स्ट ऑफ ऑल प्रियम्बल, अब आपका एमसीक्यू है तो आपको स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट के बेस के ऊपर आपने स्टेटमेंट रीड करके उसको वन वर्ड की फॉर्म में लर्न करना। तो अगर मैं कोई भी स्टेटमेंट पूछूं, ओपन फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रियम्बल, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रियम्बल, ओपनिंग पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रियम्बल, तो इट मीन्स हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो फर्स्ट पेज है दैट इज कॉल्ड प्रियम्बल। एंड प्रियम्बल स्टार्ट्स विद, आप कोई भी वर्ड्स आ सकते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, सम पीपल ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आर प्रियम्बल स्टार्ट्स विद द वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब प्रियम्बल को अच्छी तरह से देखो, मैं आपको प्रियम्बल के कुछ वर्ड्स बोलूंगी और आपने मुझे बताना है इसमें से कौन सा वर्ड मिस है, ठीक है। लाइक आर प्रियम्बल कंसिस्ट ऑफ, या कौन सा वर्ड जो है उसमें नहीं है, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड ऑटोक्रेटिक। हाँ, कौन सा वर्ड मैंने एक्स्ट्रा बोला जो प्रियम्बल में नहीं है? ऑप्शंस में आ सकता है कि विच ऑफ दीज इज नॉट इन द प्रियम्बल, दैट इज ऑटोक्रेटिक। ऐसे अब वन वर्ड की फॉर्म में, एमसीक्यू फॉर्म में आपने इसको याद रखना। अगर तो बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन में होता ना, फिर मैं आपको पूरा क्वेश्चन ऐसे हम बोलते कि डिफाइन प्रियम्बल एंड राइट द फीचर्स, तो आपने सारे प्रियम्बल के फीचर्स बताने थे। हाँ जी, एक बार रीड करना है आपने, आपको पता होना चाहिए। ओके, आर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन विच डेट? 26 नवंबर 1949। अडॉप्टेड था, अडॉप्टेड का मतलब बना लिया था। इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। तो ये आप यहाँ पे जो डेट लिखी है ना 26 नवंबर 1949, इसका मतलब है कि इस दिन तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया था, वी हैव अडॉप्टेड। लेकिन फाइनली ये प्रोसेस यानी कि इम्प्लीमेंट कब से हुआ? 26 जनवरी 1950। ये मैंने आपको कल डेट बताई थी कि वाई दिस डेट वॉज गिवन इम्पोर्टेंस, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को प्लेज लिया था पूर्ण स्वराज, और उन्होंने उसको इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया था। तो बाद में हमें तो इंडिपेंडेंस डे मतलब जो मिली है वो 15 अगस्त को मिली, लेकिन उस दिन को कमेमोरेट करने के लिए 2 मंथ की वेट की गई और उसके बाद हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। आगे देखिए, सॉवरन, सॉवरन मतलब आपको वर्ड वर्डिंग आ सकती है, आपने रेकोगनाइज करना है ये जो स्टेटमेंट है ये प्रियम्बल के कौन से वर्ड से मैच करती है। लाइक जैसे मैं बोल रही हूँ, पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस, दिस इज कॉल्ड सॉवरन, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक और सेकुलर नेचर, दैट इज सॉवरन। ऐसे पहले हम याद करते थे कि व्हाट इज सॉवरन, अब याद रखो डेफिनेशन, डेफिनेशन का हमने वन वर्ड याद रखा, क्लियर। स्टाइल चेंज हो गया ना आपका। आगे आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट लर्न करनी पड़ती थी, अब आपने स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चन फॉर्म में आएगी और जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में आएगा, आंसर फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट इज, सिटीजंस हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, दिस डिपिक्ट्स द विच नेचर, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक। सेकुलर, सेकुलर का मतलब है इन आर कंट्री नो ऑफिशियल रिलीजन, ऑल आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट इज, वेल्थ इज जनरेटेड इक्वली इन द सोसाइटी, दिस डिपिक्ट्स विच नेचर, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का नाम से ही पता लगता है सोसाइटी, यानी कि ऐसी कंट्री जो सोशलिस्ट होती है उसमें हर पर्सन जो है चाहे रिच है चाहे पुअर है वेल्थ इक्वली जनरेट किया जाता है, और गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर, ठीक है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पीपल एंजॉय पॉलिटिकल राइट्स, दिस डिपिक्ट्स द नेचर, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जिसमें लोगों को पॉलिटिकल राइट्स मिलते हो, ठीक है। ओके, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री इज नॉट हेरिडिटरी, दिस डिपिक्ट विच नेचर, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर और रिपब्लिक। रिपब्लिक, तो आगे हम याद करते थे व्हाट इज रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जहां पे हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब होता है 5 इयर्स या 6 इयर्स के लिए होता है, एंड उसकी जो पोस्ट होती है वो हेरिडिटरी नहीं होती। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट का बेटा आगे प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, इलेक्शंस के द्वारा अगर प्रेसिडेंट जीतेंगे ओनली देन
प्रेसिडेंट जो है उनको इलेक्ट किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट आगे हमने वर्ड जस्टिस, ये वर्ड्स याद रखो अच्छी तरह से। सिटीजंस कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। दिस स्टेटमेंट डिपिक्ट द नेचर ऑफ विच वर्ड? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। जस्टिस, जस्टिस का मतलब क्या होता है कि किसी के साथ भी किसी भी तरह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबके लिए लॉ क्या है, इक्वल, चाहे प्राइम मिनिस्टर है चाहे कॉमन पीपल है, पनिशमेंट विल बी गिवन इक्वली। लिबर्टी, लिबर्टी जो वर्ड है, वैसे तो ये लिबर, लिबर का मतलब क्या होता है, फ्री, ये किस लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है लिबर। लिबर का मतलब क्या है, फ्री, और लिबर्टी की सेंस में हम इसे कहते हैं फ्रीडम। तो हमारी कंट्री में सिटीजंस को कुछ लिबर्टीज या फ्रीडम्स दी गई हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स की फॉर्म में कहते हैं, है ना। सो स्टेटमेंट जो है दैट इज देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजंस इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश, दे कैन एक्सप्रेस देयर थॉट्स। दिस नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिपिक्ट्स द नेचर, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। क्या होगा इसका राइट आंसर, लिबर्टी, मतलब लोग जो भी सोचते हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे फार्मर्स आजकल के टाइम पीरियड में देखो, शुगर के जो फार्मर्स हैं पंजाब में, तो दे आर एक्सप्रेसिंग देयर एंगर, दे आर फ्री, वो कुछ भी कर सकते हैं आज के टाइम पीरियड में। ईच एंड एवरी पर्सन इज फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, वो टीवी में डिबेट के द्वारा, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स के द्वारा, स्ट्राइक्स के द्वारा, एजिटेशंस के द्वारा अपने व्यूज गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लिबर्टी। नेक्स्ट इज इक्वलिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी एंडेड। ये कौन सी नेचर डिपिक्ट करता है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और सेकुलर? क्या है ये, लिबर्टी, इक्वालिटी और सेकुलर? इक्वालिटी, ठीक है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज वी आर द मेंबर ऑफ सेम फैमिली, नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इंफीरियर। इट मींस विच क्वालिटी डिपिक्ट्स दिस, सेकुलर, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी? फ्रेटर्निटी, ऐसे याद है डेफिनेशन। हाँ, अब एमसीक्यू में डेफिनेशन याद करो, क्योंकि वन वर्ड स्टेटमेंट बेस्ड तो आना नहीं है आपको। सोचो कि आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होगा, स्टेटमेंट विल बी इन द 3 lines, 4 lines, 5 lines में पूरा प्रॉपर सोर्स बेस आएगा, उसमें से यू हैव टू पिक एंड चूज द राइट आंसर। आंसर्स विल बी गिवन टू यू और आपने बस आंसर्स को फाइंड आउट करना। स्टाइल चेंज करो चैप्टर लर्न करने का। बेस्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल थॉरो रीडिंग होनी चाहिए आपकी चैप्टर, कंसेप्ट क्लियर होगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू गिव आंसर फ्रॉम एनी पार्ट, ठीक है। अब आपने ऐसे नहीं लर्न करना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट, आपने याद करना स्टेटमेंट को पढ़ो और उसको समझ के करो कि स्टेटमेंट जो है इनमें से कौन से वर्ड्स, ऑब्वियसली जिस चैप्टर से रिलेटेड वो सोर्स होगा उसी चैप्टर से क्वेश्चन और आंसर आएंगे, ठीक है। हाँ जी, अब आगे है आपकी बुक की कुछ टर्म्स दी गई हैं इन द लास्ट, ठीक है। तो ये अब आप सोचो कैसे आ सकते हैं आपको, स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट बेस्ड का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट विल बी गिवन तो यू हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर, लाइक आई एम स्पीकिंग द स्टेटमेंट एंड यू विल टेल मी द आंसर। ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन और सेपरेशन मेड फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बिटवीन 1948 टू 1989 अपार्ट। तो आपको नीचे कोई भी आपको 4 ऑप्शंस होंगे, आपको पता है कि साउथ अफ्रीका की पॉलिसी है कौन सी, रेशियल सेग्रीगेशन की, तो राइट आंसर इज अपार्ट, ठीक है। देन असेंबली ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स दैट राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन रिटन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन कंटेनिंग फंडामेंटल पॉलिटिक्स सोसाइटी ऑफ द कंट्री, कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। देन चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अमेंडमेंट, जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट, बाय पासिंग अ बिल
बिल पास होता है इसके लिए, ऐसे नहीं हो जाता। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रायर फेज, प्रायर फेज का मतलब होता है हैंड रिटर्न भी हो सकता है, टाइप भी हो सकता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है प्रिलिमिनरी वर्जन, जैसे सपोज ये बुक है, ये बुक प्रिंट हो गई है, लेकिन इस बुक को किसी ने हैंड रिटन या टाइप, पहले पेजेस होंगे ना उसको प्रॉपरली, उसकी मिस्टेक्स निकाली होंगी, उसके बाद जब इसको प्रिंट किया इसकी नंबर ऑफ कॉपीज निकली होंगी, और एक गलती जो है, सपोज अगर एक गलती रह गई होगी तो वही गलती सब में जाएगी। तो इसलिए जो प्रीलिम वर्जन होता है, फर्स्ट कॉपी होती है, उसको प्रॉपरली चेक करना पड़ता है ताकि वो गलती बार बार रिपीट ना हो। ठीक है, कई बार क्या होता है, कई बार आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कभी देखा है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होती है? आजकल तो कभी होती है, कभी नहीं भी होती, क्योंकि आजकल तो कंप्यूटराइज होता है, कंप्यूटराइज डिक्शनरी होती है, उसमें वर्ड सेट कर लिए जाते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई ऐसा न्यूज़पेपर भी होता है उसमें मे बी मिस्टेक्स रह जाती है, और अगर एक बार वो प्रिंट हो गया तो आप उस मिस्टेक को रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो सर्कुलेट हो चुकी होती है। कई बार बुक में भी मिस्टेक आ जाती है, नाम गलत होता है, कई बार बुक में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड प्रीएम्बल। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड प्रीएम्बल। ऑफेंस ऑफ अटेम्प्टिंग टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड ट्रीजन। आपने अभी तक ट्रीजन वर्ड कौन कौन से चैप्टर में पढ़ा, किसके ऊपर ट्रीजन लगाया गया? नंबर वन लुइस 16th, नंबर टू नेल्सन मंडेला के ऊपर चार्ज ऑफ ट्रीजन लगाया गया, जिसके कारण ही वॉज गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, चॉइस का मतलब होता है मीटिंग प्लेस, ऐसा मीटिंग प्लेस का मतलब कोई जगह नहीं, चॉइस का मतलब होता है एक ऐसा इशू जिसके ऊपर सारे लोग अपना एक्सेप्ट का मतलब होता है उसको यस करते हैं। सपोज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट के पीछे सभी लोगों ने अपनी एक्सेप्टेंस दी, तभी हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये थे सारे बच्चे आपके वन मार्क क्वेश्चन एमसीक्यू फ्रॉम दिस चैप्टर। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैंने आपको कल डिस्कस करी थी, Why we are accepting our constitution more than 70 years old? क्यों हम इस constitution को आज तक follow कर रहे हैं, क्यों change नहीं हुआ? हाँ, तो इसके वैसे तो long question में, long question के according मैंने आपको points हम discuss करते हैं, लेकिन जब short answer की बात आती है, one mark की बात आती है या MCQ based, तो just आप words याद रखो। हम इतने पुराने constitution को इसलिए follow कर रहे हैं क्योंकि इस constitution को बनाने में इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में बनी थी, उस पार्टी की इसमें अप्रूवल बाय द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। नंबर टू, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 299 मेंबर्स दैट represented होल नेशन, होल नेशन का मतलब वुमेन भी थी, हिंदू कम्युनिटी भी थी, मुस्लिम भी थे, पारसी भी थे, सिख कम्युनिटी भी थी, जैन भी थे, ऑल द पीपल। ठीक है, 299 में इंडिया के अलग अलग एरियाज, पंजाबी, गुजराती, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडियन, ठीक है, गुजरात से थे। तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कुछ पर्टिकुलर एरिया को नहीं बल्कि पूरी कंट्री को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। थर्ड, नॉट इवन अ सिंगल पार्टी हैज एवर चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने चैलेंज नहीं किया है। चैलेंज का मतलब होता है चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। नॉट इवन अ सिंगल पार्टी, चाहे बीजेपी है, चाहे कोई भी आम आदमी पार्टी है, चाहे एनसीपी है, आज तक किसी भी पार्टी ने इसके किसी भी क्लॉज को चैलेंज नहीं किया। ठीक है, नॉट इवन अ सिंगल पार्टी हैज एवर चैलेंज एनी क्लॉज, ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये शो करता है कि हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कितना सक्सेसफुल है। ठीक है, फोर्थ, एक और वर्ड हम अपनी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूज करते हैं,
लिविंग डॉक्यूमेंट, वैसे हम कहते हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स क्या है, हम क्या है, लिविंग थिंग्स, और आपका बेंच क्या है, नॉन लिविंग. पर हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लिविंग डॉक्यूमेंट, लिविंग वर्ड यूज कर रहे हैं. व्हाई? बिकॉज आर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ क्लोज बुक. इट इज नॉट अ क्लोज बुक. ये क्लोज नहीं है, ओपन है. ओपन का मतलब है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें चेंजेस किए जा सकते हैं. चेंजेस का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ अमेंडमेंट, क्योंकि मेकर्स को बहुत अच्छी तरह से पता था, जो हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनको बहुत अच्छी तरह से पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद जब उसको फाइनली इंप्लीमेंट किया जाएगा तो मे भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन से एग्रीड नहीं होंगे. तो अगर कुछ लोग एग्रीड नहीं होते हैं तो उनके वेलफेयर को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अमेंडमेंट का प्रोसीजर ऐड किया. लेकिन ये प्रोसीजर बहुत डिफिकल्ट है. कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह से कोई भी अमेंडमेंट करना होता है, इसीलिए हम कहते हैं हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिड, और साथ ही क्या है, फ्लेक्सिबल. रिजिड का मतलब होता है टू हार्ड, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कैन बी चेंज. लेकिन प्रोसीजर बहुत टफ होगा. क्या प्रोसीजर टफ होता है इसका, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एक्ट को चेंज करने के लिए पहले बिल पास करना पड़ता. बिल पहले जाएगा लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में उसको 6 months या 1 year भी लग सकते हैं, जैसे फार्मर बिल, ठीक है. इसके बाद फिर जाएगा राज्यसभा, फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और फाइनली बिल पे जब प्रेसिडेंट के साइन होंगे तब उसको अमेंड किया जाए. आपने बहुत सी अमेंडमेंट्स पढ़ी होंगी. कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेस जो एक है, वुमेन सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005. अमेंडमेंट वर्ड का मतलब है कि उसमें चेंजेस किए गए. जीएसटी, जीएसटी जो है ये भी नया कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, ठीक है. देन थर्ड जो है आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 को एबॉलिश कर दिया गया, तो ये भी अमेंडमेंट. इनके कारण हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लिविंग डॉक्यूमेंट. लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब होता है इसमें स्कोप ऑफ, स्कोप का मतलब क्या होता है, स्कोप ऑफ चेंज इज देयर. लेकिन बट वी कांट चेंज होल कॉन्स्टिट्यूशन. सो दीज आर द रीजंस व्हाई वी आर एक्सेप्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मतलब है कि हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हम पे थोपा नहीं गया है, हमने इसको एक्सेप्ट किया है क्योंकि इसके फीचर्स बहुत जो हैं वो वास्ट हैं. और अगर सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम आती है तो उन प्रॉब्लम्स को अमेंडमेंट्स के द्वारा चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड या डिलीट किया जा सकता है. क्लियर? तो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसके हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो करेंगे. साइड बाय साइड यू विल नोट डाउन एक्स्ट्रा क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. यस, तो अब आपको मैं एमसीक्यू बेस जो है उसके बेसिस के ऊपर ही तैयारी करवाऊंगी, ठीक है. आपने पर्सन को रेकॉग्नाइज करना. He was a nationalist leader of South Africa who fought against the racial discrimination. Nelson Mandela. क्या ऐसे याद? हाँ जी. Next is he and 7 leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime of the country. नेल्सन मंडेला, उनके बच्चे बस करेंगे. हाँ जी. नेक्स्ट इज ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. उनसे रिलेटेड आपको कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है. देन ऑन विच डेट नेशनल फ्लैग ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज होस्टेड. यस, नेशनल फ्लैग जो है वो कब होस्ट किया, राइट डाउन डेट, 26 अप्रैल 1994. When was the new national flag of Republic of South Africa hoisted?
रिपब्लिक साउथ अफ्रीका का फर्स्ट फ्लैग कब होस्ट किया गया? 26 अप्रैल 1994। Which was the umbrella organization that led the struggle against the policies of racial discrimination? ANC. So what is the full form of ANC? African National Congress. वैसे तो कांग्रेस का मतलब होता है एसोसिएशन, हमारी कंट्री में ये पार्टी है, तो कांग्रेस वर्ड आप कितनी ही कंट्रीज में सुन सकते हो, कांग्रेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। What is the meaning of segregation? तो मे भी ऐसे भी आ सकता है कि आपको क्वेश्चन पूछा हो और नीचे फोर स्टेटमेंट्स है, तो राइट आंसर ऑफ दिस इज सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कलर, लाइक इन साउथ अफ्रीका ब्लैक्स वर सेग्रीगेटेड ऑन विद द वाइट पीपल, इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। Okay, when the constitution of our country was adopted, adopt kab kiya? 26 November 1949. When it was implemented? 26 January 1950. Okay, why was this date chosen? 26 January, why this was chosen? Yes, because Pandit Jawaharlal Nehru, he declared 26 January 1930 as Independence Day and he passed the proposal of Puran Swaraj, complete independence. Okay? Okay, when was our Constituent Assembly was formed? When was our Constituent Assembly was formed? Kaun se year mein bani thi? Independence se pehle bani thi ya baad mein bani thi? Year is? Very good. 1946. Our Constituent Assembly was formed in 1946. Who was its president? Dr. Rajendra Prasad. Who was appointed as the chairman of drafting committee? B.R. Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar. स्टेटमेंट बोल रही हूँ, आपने रिकॉग्नाइज करना है इसका वन वर्ड। इट कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट। क्या है ये? इट कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट। ऑप्शंस आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रीएम्बल, ड्राफ्टिंग कमेटी और नन। It contains the philosophy on which the entire constitution has been built. Preamble, right answer is preamble. Okay. India is called dash because the head of the state president is an elected person and it is not a hereditary position. Republic. Again. India is called a dash country because the head of the state, the president is an elected person and it is not a hereditary position. Clear? Okay, aise bhi aa sakta hai. What do we call a state? What do we call a country? Where head of the country is an elected and not a hereditary. Kya kehte hain is country ko? Republic. Okay? Okay, what was the main contribution of Sardar Vallabh Bhai Patel after independence? What was the contribution of Vallabh Bhai Patel after the independence? Write down integration of princely states. आपकी बुक में वल्लभ भाई पटेल जो है अलग अलग पिक्चर्स बनी हुई है, इनको भी प्रॉपर रीडिंग करनी है आपने, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन। वल्लभ भाई पटेल, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ आप इन, ये सारे हमारे जो है इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वल्लभ भाई पटेल,
यस, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, इसका मतलब है आपको याद होगा जब मैंने करवाया था कि हमारी कंट्री में जो प्रॉब्लम्स आई थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने, मोर देन 400 प्रिंसली स्टेट्स वर देयर, और वो ना इंडिया में जाना चाहते थे ना पाकिस्तान में, तो देवर कन्विंस्ड बाय वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ कंट्री कहा जाता है। आप सोचो कि कितने स्ट्रांग होंगे जिन्होंने सारे किंग्स को कैसे एग्री किया कि वो इंडिया का पार्ट बने, और इंडिया का पार्ट बनाकर इन सभी को ऑर्गेनाइज किया इंडिया एज अ वन नेशन। अगर ये प्रिंसली स्टेट्स ना मानती और ये सेपरेट रहती तो ये अलग कंट्री मानी जाती, वो इंडिया का पार्ट नहीं होती, तो फॉरेन कंट्रीज कभी भी उन पर अटैक कर सकती थी, और इस तरह से हमारी इंडिया की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो डेंजर बन सकती, और इंडिया को अपने डिफेंस के ऊपर उतना ही ज्यादा फिर जो है वो खर्चा करना पड़ता बॉर्डर एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, सो आगे देखिए, अब्दुल कलाम आजाद मुस्लिम मेंबर ऑफ असेंबली, मुस्लिम मेंबर्स थे ये भी, ठीक है, तो इनका भी इंपॉर्टेंट रोल है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो है उनके देखो, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वैसे तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारी कंट्री के, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट थे, और ये लॉयर थे, लॉयर। देन बलदेव सिंह, सिख कम्युनिटी से बिलोंग किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक्टिव मेंबर्स थे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज विमेन की बात करें तो दुर्गा बाई देशमुख और सरोजनी नायडू, नेक्स्ट देखिए सरोजनी नायडू एक्टिव मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका मतलब है कि वुमेन को भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिली थी। देन बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का तो कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पता ही है, उनको तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ना। देन ही वॉज द फर्स्ट कैबिनेट, जो उनका मतलब मेन लॉ मिनिस्टर थे, क्योंकि लॉयर थे, इंग्लैंड से लॉयर, मतलब उनकी स्टडी सारी इंग्लैंड से की थी उन्होंने। देन पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उनका भी गाइडिंग फिलॉसफी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनके वर्डिंग्स लिखी गई हैं आपके बुक में प्रॉपर, पूरी उनकी बुक का एक पार्ट, उनकी स्पीच का पार्ट है जो आपकी बुक में लिखा गया है। हाँ जी, इसमें अलग अलग पेजेस हैं, लाइक फर्स्ट पेज गाइडिंग फिलॉसफी का फर्स्ट पेज देखिए, महात्मा गांधी जी का, जिन्होंने ये कहा था कि रियल सेंस में फ्रीडम इंडिया को तब मिलेगी जब इंडिया में हाई क्लास और लोअर क्लास के बीच में डिफरेंस खत्म हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये कहा था कि नो डाउट फ्रीडम तो मिल गई है, लेकिन रियल फ्रीडम तभी मिलेगी जब इक्वालिटी आएगी। इक्वालिटी मीन्स लोअर कास्ट एंड हायर कास्ट, ठीक है। देन पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसकी लास्ट वर्डिंग पढ़ो आप, द एम्बिशन ऑफ आर जनरेशन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, यानी कि इन्होंने ये कहा था कि रियल इंडिपेंडेंस हमें तब मिलेगी जब इंडिया में रहने वाले हर इंडियन की आंख में आंसू नहीं, मतलब उनका ये मानना था कि हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो लोग हैं उनकी आंखों में जो आंसू आते हैं उनको वाइप आउट कर सके। और इसका मतलब है कि रियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि जब हमारी कंट्री में एक भी पर्सन ऐसा होगा जो खाने के कारण या स्टार्वेशन के कारण या जो हार्डशिप्स होती हैं उनके कारण वो जो है वो क्राई नहीं करें, पर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। नो डाउट वी आर सेलिब्रेटिंग 75th इंडिपेंडेंस, बट स्टिल वी कैन सी मैनी प्रॉब्लम्स आर इन कंट्री, अभी भी बहुत सी प्रॉब्लम्स है हमारी कंट्री में। बाकी नेक्स्ट पेज जो है पेज नंबर 50, ये प्रियम्बल है, ये प्रियम्बल दिया गया है, जो ऊपर वाला प्रियम्बल है ये अमेरिका का है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो हमने कॉपी किया है, हमने किया वी द पीपल ऑफ इंडिया, उन्होंने लिखा है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, हमने इसको कॉपी किया, अमेरिकन मॉडल हमने इंस्पिरेशन ली है अपने प्रियम्बल की अमेरिकन मॉडल से, जो अमेरिकन मॉडल है उनका कॉन्स्टिट्यूशन का। और जो नीचे वाला प्रियम्बल है वो किसका है, वो साउथ अफ्रीका का, ये तो बहुत लेटर ऑन बना, हमारा तो पहले ही बन चुका था, वो भी किसे स्टार्ट हुआ, वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये अलग अलग कंट्रीज के प्रियम्बल हैं, और हमारी कंट्री का प्रियम्बल है हियर। सो आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर एंड डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस, पॉसिबल क्वेश्चंस, बट स्टिल यू हैव टू रीड, थोरो रीडिंग करो हियर। एनी डाउट?